वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज दिव्यांगना। तो आज हम बनाने वाले हैं एंटी एजिंग क्रीम। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर उसको अर्ली एज के साथ स्टार्ट किया जाए तो जो एजिंग का प्रोसेस फेस पर दिखता है वो डिले हो सकता है। बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये नहीं बोल रही हूँ, डिले हो सकता है। कुछ लोग 40 की एज में ही एजेड लगने लगते हैं और कुछ 80 तक के हो जाते हैं, पर उनका फेस एकदम सही दिखता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत पहले से अपनी स्किन की केयर करते हैं और ज्यादा कॉस्मेटिक का यूज ना कर वो नेचुरल रेमेडीज का यूज करते हैं। ये क्रीम बस दो इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। बनाना इजी है, लगाना इजी है और कोई खर्चा नहीं, इसको इजीली हम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने कुकुम्बर और एलोवेरा जेल लिया हुआ है। जो कुकुम्बर लिया है उसको हम कद्दूकस करेंगे छिलके के साथ। कुकुम्बर हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है। इसको अगर आँखों पर रखा जाए तो आँखों की पफिनेस जो होती है वो ख़त्म होती है, आँखें स्मूथ होती हैं और बहुत रिलीफ मिलता है। जो हमने ग्रेट किया है उसका हमें सिर्फ जूस ही लेना है। इसका हम जूस निकाल लेंगे, किसी भी छन्नी या कुछ से हम इसका जूस निकाल लेंगे। हमें सिर्फ इसका जूस चाहिए। अगर आपको इसका यूज़ करना है तो एज अ स्क्रब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 स्पून एलोवेरा जेल मिलाएंगे। जो एलोवेरा जेल हमने लिया है वो हमने मार्केट का लिया है, घर का बना हुआ भी ले सकते हैं लेकिन उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती और वो जल्दी जल्दी हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए हम मार्केट का लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि वो अलग अलग ना दिखे। ये एंटी रिंकल तो है, साथ ही डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को ठीक करता है और जो एक्ने होते हैं उनको भी ठीक करता है। क्योंकि कुकुम्बर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इन्फ्लेमेशन को रोकती है। कुकुम्बर में विटामिन सी और कैफिकिक एसिड होता है, ये दोनों स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। तो देखा आपने क्रीम कितनी इजीली बन गई। बस कुकुम्बर लिया, उसको ग्रेट किया, उसका जूस निकाला और एलोवेरा जेल मिक्स करा और क्रीम रेडी। एलोवेरा के साथ जब कुकुम्बर मिलता है तो स्किन के ऊपर एक गुड इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और स्किन ग्लो करेगी और एजिंग की प्रोसेस को स्लो करेगी। ये क्रीम बनकर रेडी हो गई है। इसको कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। अपनी फिंगर्स में क्रीम को लेना है और आईज के नीचे और ऊपर अच्छे से लगाना है। जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है उसके लिए अच्छा है। इसको पूरे फेस पर अच्छे से लगाना है और 2 से 3 मिनट की हल्की मसाज लेनी है और जो लिक्विड है वो 5 मिनट में सूख जाएगा और कोई इरिटेशन भी नहीं होगी। अगर लगता है कि किसी को तो वो नॉर्मल पानी से धो सकता है, लेकिन अगर इसको लगाकर सोया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।